Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं शेयर करने वाली हूँ साबूदाना की खिचड़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल के अंदर मैंने ये साबूदाना ले लिए है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कम ज़्यादा क्वान्टिटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साबूदाना होता है ना, उसको 2 से 3 पानी से हमें वॉश करना होता है, क्योंकि जो साबूदाना वन टाइप ऑफ स्टार्च ही होता है, तो उसमें जो पानी से धुंधलापन होता ही जाएगा। तो बस टैप के नीचे इसे बड़े से चन में लेके टैप के नीचे अगर वॉश करते हैं तो वॉश हो जाएगा। और बस एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है, और जितना पानी उसमें डूबता है बस उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसको ओवर नाइट के लिए सोक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एकदम सोक हो चुकी है। करीबन मिनिमम 5 से 6 घंटे अगर पिकोते हैं तो विच इज़ गुड। तो यहाँ पर टोमेटो, करी पत्ता, पोटैटो, ग्रीन चिली, सॉल्ट, हल्दी। तो यहाँ पर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। कोरिएंडर पाउडर, शुगर, लेमन जूस और ये हैं मस्टर्ड सीड्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक होगा तो वो बेस्ट रहेगा, उसमें चिपकेंगे नहीं। तो उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, यहाँ पर मैं टमाटोज ऐड कर रही हूँ। जैसे वो पक जाएंगे थोड़े गल जाते हैं, तो बस उसके अंदर हम डाल देंगे ये सॉल्ट, हल्दी और कोरिएंडर पाउडर, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस इसी स्टेज पे हमें शुगर डाल देनी है। अगर बाद में डालेंगे ना तो मोटी मोटी रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो, और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं साबूदाना ऐड कर लूँगी। और साबूदाना तब तक हमें पकाना है जब तक जो वाइट दिख रहे हैं ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी ना, तब तक हमें उसको पकाना है। तो यहाँ पर उसके लीड लगा के हमें करीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं उसको पकने में। तो देखो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर फाइनल में लेमन जूस डाल के उसको फिर से एक बार स्टर कर लेती हूँ। और उसके बाद फाइनली हमारे जो कोरिएंडर लीव्स है वो आएंगे, और बस हमारी रेसिपी बन के तैयार है। तो आप इसको ज़रूर से बनाएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं, और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।